हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कमीशन वालों को अपनी नियुक्ति के लिए यहाँ पर जो है शिमला में मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ रहा है, नियुक्ति देने के लिए आना पड़ रहा है। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। हिमाचल में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, बावजूद इसके कमीशन पास करने के बाद भी नियुक्ति न मिलना सरकार व विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल है। प्रदेश में कमीशन पास करने के बाद भी नौकरी ना मिलने से सैकड़ों भाषा अध्यापक परेशान हैं। शिक्षा विभाग की लापरवाही इन भाषा अध्यापकों पर भारी पड़ रही है और अब स्कूलों में पिछले 2 माह से इन्हें नियुक्ति ही नहीं मिल पा रही। 200 भाषा अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में कमीशन की परीक्षा पास की है, लेकिन अब स्कूलों में पद खाली ना होने के कारण इन्हें नियुक्ति ही नहीं मिल पा रही। 12 जिलों में से केवल 4 जिलों में ही 29 भाषा अध्यापकों की नियुक्ति हो पाई है और बाकी बचे अध्यापकों की नियुक्ति कब होगी इस बारे में अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। वहीं कमीशन पास करने वाले रुद्रमणि ने कहा कि नियुक्ति ना मिलने पर परीक्षा पास कर चुके लोगों में भारी रोष व्याप्त है। क्या कुछ कहना है रुद्रमणि का, सुनिए। रुद्रमणि, और हम हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कमीशन वालों को अपनी नियुक्ति के लिए यहाँ पर जो है शिमला में मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ रहा है, नियुक्ति देने के लिए आना पड़ रहा है। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। हम भाषा अध्यापक पोस्ट कोड 814 के अंतर्गत हमारा चयन 12 नवंबर 2021 को फाइनल रिजल्ट जो चयन बोर्ड हमीरपुर ने घोषित किया था, उसके पश्चात आज लगभग तीसरा महीना 12 जनवरी से शुरू होने वाला है, अभी तक हमको नियुक्ति नहीं मिली है। हम में से हमारे हिमाचल में 4 जिलों में जो है नियुक्ति हो गई है, जिसमें 200 बच्चे जो है 200 जो टीचर हैं वो अभी नहीं लगे हैं। 29 को जैसे नियुक्ति मिल चुकी है, जैसे किन्नौर जिले में नियुक्ति हो चुकी है, सोलन में नियुक्ति हो चुकी है, ऊना में हो चुकी है, तो इन और हमीरपुर में हो चुकी है। बाकी के 8 जिले जो मंडी है, मंडी में नहीं हुई है अभी, और हमारे यहाँ शिमला में नहीं हुई है, और सिरमौर में नहीं हुई है, कांगड़ा में नहीं हुई है, चंबा, जो जितने भी 8 बचे हैं उनमें अब तक नियुक्ति नहीं हुई, और 3 महीने होने वाले हैं। और ऐसी क्या विडम्बना हो गई है कि कमीशन इस तरह से कमीशन निकालने के पश्चात भी हम लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए कहाँ से मिलना पड़ रहा है? शिक्षा विभाग की ओर हमें SMC का विरोध तो हम नहीं करते हैं, हमें SMC से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपॉइंटमेंट चाहिए। जब हमने कमीशन निकाला है, जब यह पोस्टर निकली थी, जब नोटिफाई हुई थी 2020 में, तो उसमें लिखा था कि यंगेस्ट SMC ये भर्तियाँ हो रही है, 4,000 टीचरों की भर्ती निकली थी डिफरेंट कैटेगरी की, तो यंगेस्ट SMC निकली थी। तो आज गवर्नमेंट SMC वाले को नहीं निकाल देते, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं निकाल जाती कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपॉइंटमेंट तो समय पर मिलनी चाहिए। हम तो 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं। 200 जिनको की नियुक्ति नहीं, टोटल कितने थे? 20 थे, और जिसमें से 29 बंदों को जैसे मिल गई। क्या कारण आपको डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस, हर 8 जिले के डिप्टी डायरेक्टर से हम गए थे, बात करे थे, वो बोले रिक्त पद हमारे पास कम है, क्योंकि यंगेस्ट SMC भर्ती हुई थी। जब बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।